हेलो एवरीवन आप सबका फिर से बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट और आज का हमारा चैप्टर कौन सा है आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टाइम हमने पहला चैप्टर जो था वो कम्प्लीट कर दिया था और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ एजेंसीज़ कॉजिंग डेटोरेशन डेटोरेशन क्या होती है और कौन कौन सी एजेंसी की वजह से एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिसकी वजह से डेटोरेशन होती है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कंट्रोल दे देता हूँ फिर उसके बाद हम इसको आसानी से समझ पाएंगे देखो डेटोरेशन बेसिकली होता क्या है डेटोरेशन होता है आपकी जो बिल्डिंग है आपका एक्सपीरियंस है ये जब भी आपको मटीरियल समय के साथ जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है उसका डिके हो जाना ख़राब हो जाना समय के साथ वेयर टेयर हो रहा है मटेरियल आपकी बिल्डिंग में भी आप देखते हो धीरे धीरे बिल्डिंग जो है Uh, उसमें वेयर टेयर प्लास्टर उखड़ने लग पड़ेगा ठीक है इस तरह से ये सब ये सारा चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं डेटोरेशन और कौन कौन सी एजेंसीज एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कौन कौन सी एजेंसीज की वजह से डेटोरेशन होती है तो चलिए इस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये है हमारा चैप्टर नंबर टू एजेंसीज कॉजिंग डेटोरेशन ठीक है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कह रहा है इन द कोर्स ऑफ द टाइम डिस्ट्रेस वुड अपीयर इन द स्ट्रक्चर एज अ नेचुरल फिनोमिना दिस नेचुरल मैटामॉर्फिस इज़ ड्यू टू द नेचुरल वेयर एंड टेयर तो इन कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ क्या होती है डिस्ट्रेस पैदा हो जाती है मटीरियल के अंदर मटीरियल जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेसेस पैदा हो जाने लग पड़ती हैं एज अ नेचुरल फिनोमेना दिस नेचुरल मेट्रा मॉरफिसिस इज़ ड्यू टू द नेचुरल वेयर टेयर और ये क्यों होता है नेचुरल वेयर और टेयर की वजह से वेयर टेयर हो गया घिसना किसी चीज़ का तो नेचुरल ही हमारा मटीरियल जो है धीरे धीरे वो है घिसना शुरू हो जाएगा ठीक है मटीरियल जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये बता रहा है द ओल्ड स्ट्रक्चर विच वर कंस्ट्रक्टेड इन नॉन अग्रेसिव इन्वायरमेंट ओल्ड पुराने स्ट्रक्चर्स जो कंस्ट्रक्ट हुए थे नॉन अग्रेसिव इन्वायरमेंट में ठीक है उस समय पर बने थे आज की डेट में विदाउट एनी स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स आर नाउ वेरी बैडली अफेक्टेड बड़ी बुरी तरह से वो अफेक्टेड हैं ड्यू टू द ग्रेजुअल डेटोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड दैम ग्रेजुअल डेटोरेशन जो आगे पीछे हमारा इन्वामेंट uh, है उसकी डेटोरेशन की वजह से वो मटेरियल को ख़राब कर रहा है ठीक है जो भी एजेंसीज़ हैं वैदरिंग एजेंसीज़ हैं वो हमारे मटेरियल को धीरे धीरे खराब कर रही हैं तो जो पुरानी बिल्डिंग हैं जो इस अग्रेसिव इन्वामेंट में नहीं बनी थी क्योंकि उस वक़्त इन्वामेंटल कंडीशंस कुछ और थी आजकल मटेरियल हमारा जो इन्वामेंट है वो भी अग्रेसिव होता जा रहा है उसकी वजह से जो मटेरियल है वो धीरे धीरे उसके जैसे कॉन्टैक्ट में आ रहा तो खराब क्योंकि बिल्डिंग तो हमारी पूरी एक्सपोज है ना टू द एटमोसफियर तो एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं वो उसको अफेक्ट करेंगे दिस स्ट्रक्चर नीड इमीडिएट अटेंशन फॉर असर्टनिंग द काजेज ऑफ देयर डिस्ट्रेस एंड फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड द सेलेक्शन ऑफ द मैथडोलॉजी फॉर रैशनल सोल्यूशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर दी स्ट्रक्चर नीड इमीडिएट अटेंशन इस तरह के स्ट्रक्चर्स को इमीडिएट अटेंशन चाहिए For ascertaining the causes of their distress and for proper diagnosis and the selection of methodology for the rational solution, तो ज़रूरत है कि इनके causes को पता किया जाए कि, कि किसकी वजह से ये structure ख़राब हो रहा है उसको diagnose किया जाए diagnose करने के बाद एक method select किया जाए जिस method की मदद से हम इसकी rehabilitation कर सकें स्ट्रक्चर को दोबारा से रिहेबिलट करें दोबारा से इसको उसकी एक्चुअल जो कंडीशन है उसमें लाया जा सके उसकी सही कंडीशन में लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विस हमें दे सके आगे आ जाता है हमारा डेफिनेशन ऑफ द डेटोरेशन डेटोरेशन क्या होता है या डिके क्या है ये डेटोरेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ यूज इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो ये इसके ऊपर वेस्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है इसके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं डेटोरेशन तो पूछेगा वाट इज़ डेटोरेशन मतलब डेटोरेशन टर्म आपको बहुत मिलेगी पेपर के अंदर तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए डेटोरेशन है. है क्या डेफिनेशन ऑफ द डेटोरेशन एंड डी इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डेटोरेशन इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द डी ऑफ द स्ट्रक्चर और इट्स कंपोनेंट्स विच रेंडर इट अनयूजेबल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में अगर कहा जाए तो डेटोरेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस ये ग्रेजुअल और कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ डी जनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो uh, जो है वो धीरे धीरे डी जनरेट होता जा रहा है खराब होता जा रहा है मतलब ख़त्म होता जा रहा है और इट्स कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं विच रेंडर इट अनयूजेबल जो इसको लास्ट में अनयूजेबल बना देंगे डेटोरेशन और डिके इज़ द डवेलपमेंट ऑफ द डिफेक्ट डेटोरेशन और डके डेटोरेशन या डिके जो है इज़ द डवेलपमेंट ऑफ द डिफेक्ट ये डिफेक्ट का डिवेलपमेंट है इन अ स्ट्रक्चर ठीक है स्ट्रक्चर में डिफेक्ट जो हैं वो पैदा हो रहे हैं इस प्रोसेस को हम डेटोरेशन कह रहे हैं मे बी ड्यू टू द नेचुरल काज ऑफ एज एजिंग उमर के साथ नेचुरल काजेज की वजह से भी ये डिके या डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं इफ डेटोरेशन इज नॉट चेकड और इज़ अलाउड टू अ कर डी कम्पोजिशन ऑफ द मटीरियल रिजल्ट एंड रिप्लेसमेंट बिकम द ओनली सोल्यूशन अगर डेटोरेशन को चेक नहीं किया गया समय पर और इसको हम होने देंगे अलो करते हैं कि ये हो तो डीकम्पोजिशन हो जाएगी मटीरियल की और जिस आखिर में हमारे पास यही सल्यूशन है कि हमें मटीरियल को रिप्लेस करना पड़ेगा द रेट ऑफ द डेटोरेशन डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिंग कैपेबलिटी ऑफ द मटीरियल और डेटोरेशन की जो रेट है कि कितनी फॉस्ट डेटोरेशन होती है ये मटीरियल की रजिस्टिंग कैपैसिटी पर डिपेंड करता है कि मटीरियल कितना रजिस्ट कर सकता है उसको अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल्स क्या होंगी आपने कई बार देखा है कि जो सरिया है हमारा स्टील जो है उसको धीरे धीरे जंग लगने लग पड़ेगा वो जंग पकड़ने लग पड़ता है वो जो जंग है दैट इज़ द डेटोरेशन मटेरियल ख़राब हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसीज ठीक है उसी तरह से जो चांदी या कोई भी और मेटल ले लो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है उसको करोजन लगने लग पड़ती है करोड़ होने लग पड़ता है ठीक है और जैसे हमारा कंक्रीट है कंक्रीट के अंदर अलग अलग तरह की जो डिफेक्ट्स हैं वो पैदा होने लग पड़ते हैं ये सारी पार्ट जो है ये हमारा डेटोरेशन में कवर होता है ठीक है तो ये हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द डेटोरेशन आज हम इसका एक फैक्टर भी कवर कर लेंगे कि फैक्टर इसका पहला फैक्टर जो है ह्यूमन फैक्टर इसको कवर करते हैं तो पहले तो पढ़ लेते हैं फैक्टर्स काजिंग डेटोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस जो डेटोरेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेटोरेशन होती है वो कौन से फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको टिक कर लो और इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में आने के एट्टी परसेंट तो चांस हैं द प्रोसेस ऑफ द डेटोरेशन ऑफ़ द डिके ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो प्रोसेस है डेटोरेशन का अगर हम इसको देखें कि किस तरह से डेटोरेशन होती है या डिके ऑफ अ स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है ठीक है द डेटोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मे बी ड्यू टू सिंगल और अ कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स डेटोरेशन जो है स्ट्रक्चर की मे बी ड्यू टू सिंगल वो किसी एक फैक्टर से भी हो सकती है बहुत सारे सेवरल uh, फैक्टर भी कंबाइन होकर डेटोरेशन कर सकते हैं यानी एक वजह भी हो सकती है कि किसी एक ही फैक्टर की वजह से हो रही है या फिर बहुत सारे सारे फैक्टर न्यूमरस फैक्टर मिलकर भी इसको कॉज कर सकते हैं द वेरियस फैक्टर इस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डेटोरेशन आर क्लासीफाइड एज फॉलो तो जो अलग अलग तरह के हमारे फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं डेटोरेशन वो यहाँ पर दिए हुए हैं सबसे पहले तो ह्यूमन फैक्टर है इंसान के खुद की वजह से भी डेटोरेशन हो सकती है केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल इन्वायमेंटल फैक्टर्स हैं मिसलिनियस फैक्टर्स हैं सबसे पहले कवर करेंगे हमारे ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं मोस्ट ऑफ द डेटोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर्स ज़्यादातर डेटोरेशन जो होती है मटेरियल जो ख़राब होता है वो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ही होता है इंसान की ही वजह से होता है इट मे बी आइदर ड्यू टू द लैप्सिस एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज और ड्यू टू मिस यूज ऑफ द बिल्डिंग बाय इट्स ऑक्यूपेंट्स और ड्यू टू द इम प्रॉपर एंड इन एडिकुएट मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग तो इसमें इंसान की वजह से कहाँ पे हो सकता है या तो कंस्ट्रक्शन में कोई कमियाँ रही होंगी या तो जो उसके अंदर रहने वाले ऑक्यूपेंट्स हैं उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे उस बिल्डिंग को उसको ख़राब कर रहे हैं ख़राब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर उसकी इनएडिकुएट यानी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं की जा रही समय के अनुसार उसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं की जा रही तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं डेटोरेशन के जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं देखते हैं कौन कौन सा है सबसे पहले लिखा है यूज़ ऑफ द पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर कंस्ट्रक्शन के समय हम मटेरियल अच्छा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो डेटोरेशन होगी ही होगी पुअर वर्कमैनशिप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप होती है जो उसमें मिस्त्री या मजदूर जो है वो इस्तेमाल किया है वो कितना एक्सपीरियंस था अगर कम एक्सपीरियंस वाले को अगर आप काम दोगे तो काम खराब होगा अगर uh, अच्छे एक्सपीरियंस वाले का दोगे तो काम अच्छा होगा तो पुअर वर्कमैनशिप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत अहम फैक्टर है कि आपकी जो लेबर है जो आपका लेबर पार्ट है वो कितनी स्किल्ड थी लैक ऑफ द सुपरविज़न ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्शन के वक्त एक अच्छा इंजीनियर ने सुपरविज़न नहीं की तो बहुत सारी कमियां आ सकती हैं क्योंकि हो सकता है कि जो लेबर पार्ट है या वो अच्छे से काम ना करे अगर आपने सुपरविजन नहीं की कमियां रह जाएंगी लैक ऑफ़ द नॉलेज अबाउट द फैक्टर काजिंग डेटोरेशन अगर हमें ये नॉलेज भी नहीं है कि डेटोरेशन होती है मोस्ट ऑफ़ द मिडल क्लास मोस्ट ऑफ़ द जो लोअर क्लास है उनको ये पता ही नहीं है कि घर जो है एक बार बना दिया तो वो डेटोरेट भी होगा तो ना उनको काजेज़ के बारे में पता है तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है फेलियर टू कैरी आउट द रूटीन मेंटेनेंस हम रूटीन मेंटेनेंस को कर नहीं पा रहे पता होने के बावजूद भी हम छः छः महीने या साल साल बाद उसको मेंटेन नहीं कर रहे लैक ऑफ़ द अवेयरनेस ऑफ द मेंटेनेंस नीड्स अमंग द यूजर्स लैक ऑफ़ द अवेयरनेस ऑफ मेंटेनेंस नीड मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये यूज़र्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है फेलियर टू एस्टेब्लिश अक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेंटेनेंस हम असेप्टेबल स्टैंडर्ड्स नहीं बना पा रहे कि हमें मेंटेनेंस के लिए क्या हमारे स्टैंडर्ड होना चाहिए कि बिल्डिंग को हमें किस स्टैंडर्ड अगर इस पर खरा नहीं उतर रही तो हमें मेंटेनेंस करवानी है चाहिए मतलब हमें एक एक्सेप्टेबल लिमिट अपनी बनानी है कि इसके ऊपर अगर चले जाता तो मुझे मेंटेनेंस करवानी ही करवानी है पुअर प्लानिंग बजट एंड एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मेंटेनेंस वर्क तो पुअर प्लानिंग प्लानिंग बहुत खराब है बजटिंग बजट नहीं है हमारे पास एलोकेशन ऑफ द फंड फंड्स को एलोकेट नहीं कर पा रहे फॉर मेंटेनिंग वर्क हैविंग अ कैजुअल अप्रोच टू रिपेयर and the negative attitude of uh, waiting until emergency measures are uh, required. तो हमारा एक approach अच्छी नहीं है negative attitude है कि जब तक emergency आएगी नहीं जब तक building पूरी तरह से खराब नहीं हो जाएगी जब तक emergency नहीं आ जाएगी emergency नहीं होगी हम ठीक ही नहीं करवाएंगे and uh, blatant abuse of the building its fittings finishes etc. ख़र बहुत बुरे तरीके से बिल्डिंग का इस्तेमाल करना उसकी फिटिंग्स का फिनिशेस का ख़राब तरीके से इस्तेमाल करना बुरे बुरे तरीके से इस्तेमाल करना लैक ऑफ़ द अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है अमंग द आकोपेंट्स लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द बिल्डिंग लैक ऑफ द अवेयरनेस तो अवेयरनेस नहीं है आकोपेंट्स को लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द बिल्डिंग और इसकी वजह से बिल्डिंग को डैमेज होगा ऑफ़ द प्रॉपर क्लीनिंग साफ तरी आ, साफ नहीं की जा रही रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंजीरियस मटीरियल एल्क्न एंड द एसडिक विच अटैक द बिल्डिंग कंपोनेंट्स इन कॉन्टैक्ट साफाई नहीं की जा रही बिल्डिंग की बिल्डिंग की सफाई नहीं होगी इंजीरियस मटीरियल्स पैदा होंगे एल्क्न या एसडिक मटीरियल जो अटैक करेंगे बिल्डिंग को और बिल्डिंग को बिल्डिंग को खराब करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे ठीक है तो ये था हमारा पहला फैक्टर आ, ये तो हमारा पहला फैक्टर डेटोरेशन का अगला फैक्टर हमारा होगा केमिकल फैक्टर और इसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई डाउट है या आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर मेरे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर